हेलो पिलामने मधुआपुर ओडिया शिक्षादान कार्यक्रम को मु तुमको स्वागत जनाऊँ। अच्छा पिलामने आमे काठगल्पर किछि अंश पढ़ी नहीं थिले, आज आउ किछि अंश पढ़ी नेबा। तो आज जो अंश पढ़ा ता पूर्वरु पूर्व पाठ टिके आलोचना करने बा। कौन पढ़ते पिलामने सांताला पर्व काठ चिरारे किपरी व्याघात सृष्टि करथिला ओ बहु बादानुवाद ओ मूलचाल परे काठ चिराली किपरी तीनी टंका 75 पैसा रे काठ चिरबा पई राजी होइथिला से विषय रे आलोचना करथिले। वर्तमान आजिर विषय वस्तु पढिनेबा। दुई परस्त करी घोड़ी थिबा अल्प ओसार नाली धड़ीर साड़ीटाकु से देहरु काढ़ी पाख बेगुनिया गछ डाळरे लटकाई देला। कानीर गंठी फिटाई दोकता चून बाहर करी कलरे जाकी कुराड़ी धोइला। बयस ओ चेहेरारु तार पारिवार पणियारे मोर घोर संदेह हेला। भाबिली लोभरे काम धरिछि सिना दी दिन लागिब काटिबागु। गोटाए गड़ उपरे लंबे लंबे आउ गोटाए गंडी रखी मारिला प्रथम चोट। प्राय 2 इंच भीतर को कुराड़ी भेदिगला। टाणी बाहर करबा को कष्ट हला ताकु। पचारिली ए काठ केमिति देखुछु भल जलिब ना? से कहिला काठ भल जे बाबू हेले तर ना भ मोर नुकसान। देख ना काठ किमिति बाछुआ गंठिया जेतिकी चेमड़ सेतिकी टाण। ध काठ बाबू कुराड़ी बांकी जीव आमर गोदाम रे तो एका 2 वर्ष पड़ी थिला केही नेला नाही केही काटिते खुजे नाही भल जलिबो हेले जीए काटिबो तार हात फुटुका होई जीव चमड़ा छाड़ी जीव। आउ बाहरे देला ठीक जगारे माड़ बसिला पूड़ी बाहरे फाड़िए काठ खंडे दूरे छिटिकी पड़िला घुरी घुरी। मुहूर्ते अपेक्षा नकरी कहिली इते बड़ फाड़ करिबू नाही आमर चुल्ली सान आहुरी छोटो पतला करिदे। ताच्छल्य रे मुआड़ को चाही से कहिला ए बाबू तू चुप करि बसी था ना देख मु ठीक साइज करि दोची कि नाही। इते बरस आम बजार को आसिला तोर काठ की रकम दरकार जाने नहीं भाविछु? कौतूहली होई पचारिली केते बरस हला बजार को आसिलु केउठ आसिलु? मयूरभंज रे मोर घर बाबू बेतनटी पाखरे युद्ध नागिला बरस आमर रेमुणा को पलै आसिला। मयूरभंज रे देरे डाहाणी देवता पंचा खाई देबे मोर डगर डागर पुओ दुईटा आरो आग तिल्लाटा एका दिन रे मरीगले। जमी जाइगा खोली ताड़ी जहा करी थिला सबु तुमर हाटुआ माने नहीं गला। सरकार ठू जमी नेलुणी सरकार घर जमी सबु दौची तोर तो जमी जाइगा घर द्वार किछि नाही। दे ना बाबू घर द्वार जमी जाइगा करी दे देखे केड़े अंडिया देखे हेउछु आमर जेते नुकर घर जमी नाही समस्त को देले तुमर माने की करिवो काही रहिवो? छुआ मान को पाठ पढ़ाऊ ए बाबू पाठ साठ तक पढ़ले तोर सड़प कम करिवो किए जमी चषी दब किए? तो पिला माने आमे विषय वस्तु पढ़ी नेले विषय वस्तु रे थिबा किछि कठिन शब्दार्थ आलोचना करिनेबा। बेगुनिया गछ तुमे माने छविटी को देखि पार्थिवो बेगुनिया गछर ये होची एक मध्यमाकृति विशिष्ट गच्छ जहार पत्र गुड़िक परस्पर विपरीत दिग रही था आउ गच्छर फूल गुड़िक ग्रीष्म ऋतु रे फुटे आउ यार फल पाचिगले कला रंगर होइथाय। बुझिगल पिला माने? दोकता अर्थ हैला धुआं पत्र। 1/12 फुट होची गोटे इंच नाभ माने ठारे लाभ नुकसान माने क्षति बाछुआ माने इठे होची धार
चेमड़ माने जो जिनस सहजरे छिंडे नाही। गंठिया गंठिया माने टाण। एगा माने एठारे एहा। चमड़ा चर्म आम शरीर उपर अंश को कह जाए। ताच्छल्य अनादर आग्रह नथिब विरक्ति भाव प्रकाश करी कहिबा ता कह जाए ताच्छल्य रे कह जाए। हाटुआ माने महाजन। आग काल रे महाजन शब्द टीर बहुत प्रचलित थिला हेले वर्तमान आजिकल प्रचलन बहुत कम अछि। से कौन करथिले ना बहुत जमी जगार मालिक थिले से माने निज अधिकार को नै आस्थिले। अन्य थर कहिबा गले एमानको ऋणदाता भी कुहा जाउथिला से माने दरकार पले ऋण भी प्रदान करथिले। जायगा माने एठारे जागा। रकम माने प्रकार विभिन्न प्रकार। कौतूहल माने कौनसी जिनस प्रति जानिबा निमित्त आग्रह आसीबा कुहा जाय कौतूहल। तिल्ला माने एठारे होची स्त्री। अंडिया माने होची पुरुष लोक। मोर माने मोर। सड़प माने एठारे होची सलप। तुम्हें माने जानिथिबो आम अंचल रे जेमिति खजूरी गछरु पानीय जात एक प्रस्तुत हुए ताकू आम कौन कह जाए निशा द्रव्य भाव में प्रस्तुत हो जाए। से पर ठीक से परी सांतल माने कौन करथिले सलप जातीय एक गछरु पानीय रस प्रस्तुत करथिले ताकू से माने निशा द्रव्य रूपे व्यवहार करथिले। आम कठिन शब्द आलोचना करनेले वर्तमान आसीबा विषय वस्तु वर्णना कर। विषय वस्तु तो आम पढ़ी नहीं थिले कौन थी विषय वस्तु रे काठ चिराली नाली धड़ी शाढ़ीटा को देहरु काढ़ी बेगुनिया गछर आड़े रखिदेई कानीर गंठी पिटाई चून कलर जाकि कुराड़ी धोइला। प्रथम चोट मारिबा बेलकु प्राय 2 इंच भितर को कुराटी भेदिगला। तुमने छवि देखिपारथिब गाल्पिक यह देखि काठ चिरा को पचारे काठटी भल जलिबो ना जेहेतु काठ चिराली काठ काम करिबाकु आसी तो नाली साड़ी जदि देहरे रहिला तार काठ काम रे बाधा सृष्टि हेबो सेथिबाई सी कोन कला ना काठ चिराली काठ देहरु काढ़ी देगिरी गछरे रखिदेला। रखिदेला पर सी जेतेबेले कुराड़ी मारिला देखिला पूरा कुराटी भेदिगला काठ भितर को तो गाल्पिक मने मने भाविले काले काठटी कंचा रहीगला कि कौन हठात कुराटी पशिगला काले भल जलिबो कि नाही सी मने मने भाविले निजर काले क्षति हम कि यह भावुंट मात्र काठ चिराली काम बहुत ध्यान दे कामटा करण सी गोटे कर्मठ व्यक्ति ये जापार आम काठटी बहुत टाण थी काटिले हाथ फोटका होगा संगे संगे चमड़ा छाड़ब एवं एथपाई गाल्पिक लाभ एवं तार क्षति बोली काठ चिराली कही कौन है ना जितेबले गाल्पिक पचारे सी उत्तर देला ना काठटा तो बहुत टाण अच्छी जी कम कर तार कौन हम हाथा फोटो खाई चमड़ा छाड़ब हेल्ले चमड़ा छाड़े तो कष्ट ना ना तो गाल्पिकर कौन हम लाभ है टाण अच्छी जेहेतु मात्र काठ चिराली कौन हम क्षति कारण सी परिश्रम कला पुणी ता हाथ कष्ट पाइला तो यूर कौन जापारे ना गाल्पिक लाभ कह क्षति है ना काठ चिराली क्षति है तुम देखिपार एमती टाण काठ जी कम कर हाथ में कौन हुए फोटका का चर्म छाड़ी जाए से पुणी काठ चिरीबा काम आरंभ करदे। यही समय गाल्पिक निजर चूली सान थी काठ छोट और पतला करने काठ चिरा कहले तुम्हें मैंने छविट देखिपार चूलीर जदि छोट अच्छी बड़ जदि काठ अंश से भितर सामान रही तेणु काठ चिराली को गाल्पिक कहले मोर चूली सान तू कौन कै काठ जाक छोट छोट करदे एथर जापार सीए तो तार कष्ट काठ चिराली कार्य व्यस्त अच्छी तो काठ गाल्पिक कथा शुणी काठ चिराली अनादर कारण सी तार कम कर कथा कहवा द्वारा तार कार्य बाधा विघ्न सृष्टि हो सी गाल्पिक को कहला चुप कर बसि था ना कहीं कहला ना तो काठ कम बाधा सृष्टि करेतु से जन काठ चिराली ताको तो बेस भल भाव जना ना काठ केमी कटाजी तो गाल्पिक काठ चिराली विषय जानवा को आग्रह प्रकाश कले तो तुम्हें माने भी जान थी जितेबाला घर के आम विद्यालय के आसती आम जानवाक चाहते ना ये क्योंठ आठ आर परिचय कौन ठीक से हीपरी गाल्पिक जानवा को चाहिए काठ चिराली घर कौटा ना मयूरभंजर बेतनटी पाखे मयूर आम पढ़ी नहींचे मयूरभंज गोटे जिला ओडिशार से बेतनटी हूँ गोटे जगह जोटे कि सी काठ चिराली रोला युद्ध है युद्ध हेले तुम्हें जाच
ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଧନ ଜୀବନ ଶରୀର ବି ନଷ୍ଟ ହେବାର ଅଛି ଆଶଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୟରେ କାଠ ଚିରାଳି କ'ଣ କଲା, ରେମୁଣାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ରେମୁଣା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଜାଗା। ଆଦିବାସୀମାନେ ଡାହାଣୀ ଦେବତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ କାଠ ଚିରାଳିର ଡଗର ଡାଗର ପୁଅ ଦୁଇଟା ଓ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାହାଣୀ ଯୋଗୁଁ ଏକାଦିନରେ ମରିଗଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଡାହାଣୀ ଦେବତା ଉପରେ ଆଜିକାଲି ବି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଆଗ ସ୍ତ୍ରୀ ତାର ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଡାହାଣୀ ଯୋଗୁଁ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଗାଳ୍ପିକକୁ କହିଥିଲା। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜମି ଜାଗା ହାଟୁଆମାନେ ନେଇଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଗାଳ୍ପିକ ସରକାରଠାରୁ ଜମି ନେବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ସରଳ ନିଷ୍କପଟ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ନେଇ ହାଟୁଆମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜମି ଜାଗା ଛଡ଼େଇ ନେଲେ। ତ ଗାଳ୍ପିକ ତାକୁ କହିଲେ, ଯଦି ହାଟୁଆମାନେ ନେଇଗଲେ ତ ସରକାରଠୁ କାହିଁ ଜମି ନେଲୁନି, ସେ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ତ କାଠ ଚିରାଳି ଗାଳ୍ପିକକୁ କହିଥିଲା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସରକାର ଘର ଜମି ଦେବ, ତୁମେମାନେ ରହିବ କେଉଁଠି। ତ ଗାଳ୍ପିକ କାଠ ଚିରାଳିର ଏହି କଥା ଶୁଣି ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ସିଏ ତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଏସବୁ କହିବା ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ଆଉ ଜାଗା ବିଷୟରେ ନ ପଚାରି ତାର ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। କ'ଣ ନା, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ ନା ନାହିଁ ପଚାରିଲେ। ତ ସିଏ କହିଲା, ବାବୁ ଯଦି ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି, ତୁମମାନଙ୍କର ଜମି ଚାଷ କରିବ କିଏ, ଆଉ ସଲପ କାମ କରିବ କିଏ। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛେ ଆମେମାନେ, କାଠ ଚିରାଳିର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଜମି ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲେ, ସଲପ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନେଲେ, ଏଥିରେ ଥିବା ସାରାଂଶ ଉପରେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। କାଠ କାଟିବା ସମୟରେ କାଠ ଚିରାଳି ଓ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଭ ଏବଂ କ୍ଷତିର ଆକଳନ ହୋଇଛି। କାଠ ଚିରାଳିର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଛି। କାଠ ଚିରାଳିର ଜମି ଜାଗା ହାଟୁଆମାନେ ନେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯାହା ପଢ଼ିନେଲେ ତାର କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ କରିନେବା। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, କାଠୁରିଆଟି ଦେହରେ କ'ଣ ଘୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ନାଲି। ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀ। ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଘୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଶାଢ଼ୀକୁ କାଠୁରିଆ କେଉଁଠାରେ ଲଟକାଇ ଦେଲା। ଠିକ୍ କହିଛ, ବେଗୁନିଆ ଗଛ। ପ୍ରଥମ ଚୋଟରେ କୁରାଢ଼ିଟି କେତେ ଇଞ୍ଚ ଭିତରୁ ଭେଦିଗଲା, 2 ଇଞ୍ଚ। କାଠ କେମିତି ବୋଲି କାଠୁରିଆ କହିଲା। ଠିକ୍ କହିଛ ପିଲାମାନେ, ବାଝୁଆ ବା ଗଣ୍ଠିଆ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଗୋଦାମରେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି କାଠ ଗଣ୍ଠିଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ହଁ, 2 ବର୍ଷ। କାଠୁରିଆର ଘର କେଉଁଠି। ଠିକ୍ କହିଛ ପିଲାମାନେ, ବେତନଟି। ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲାରୁ କାଠୁରିଆ କେଉଁଠାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ରେମୁଣା। କିଏ କଞ୍ଚା ଖାଇଦିଏ ବୋଲି କାଠୁରିଆ କହିଛି। ଠିକ୍ କହିଛ ପିଲାମାନେ, ଡାହାଣୀ। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜମି ଜାଗା କେଉଁମାନେ ନେଇଗଲେ। ଅତି ଭଲ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ହାଟୁଆ। କାଠୁରିଆର ଛୁଆମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବେ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ କହିଛ, ସଲପ ବା ଜମି ଚାଷ।
ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେଲେ, ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ନା, ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ନିଜର କ୍ଷମତା ବଳରେ ନିଚ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦାସାନୁଦାସ କରି ଖଟାଏ, ପୁଣି ସଠତା ଆଚରଣ କରି ତାଙ୍କ ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାଏ ବାଏ।